सो हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सरफेस कंडेंसर के बारे में डिटेल में समझा था। वहाँ पे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को उसको समझे थे कि कैसे हमारा सरफेस कंडेंसर जो है वो वर्क करता है, कैसे जो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम आता है और वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसे देख लीजिएगा। और ताकि आपका जो आने वाला जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो और भी अच्छे से क्लियर समझ में आए। आज के वीडियो में हम लोग सरफेस कंडेंसर में जो सेफ्टी पॉइंट है, यानी कि जो रप्चर डिस्क होता है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में यहां पे समझेंगे कि रप्चर डिस्क होता क्या है, क्यों हमारे कंडेंसर में रप्चर डिस्क लगाया जाता है, इससे क्या फायदा है और किन किन कारणों से रप्चर डिस्क जो है वो बर्स्ट होता है, यानी कि फट जाता है। ओके, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रप्चर डिस्क इन सरफेस कंडेंसर, तो देखिए सरफेस कंडेंसर जो है ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में समझे हैं। यहाँ पे जो हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो है रप्चर डिस्क, ठीक है। तो रप्चर का मतलब होता है कोई चीज़ फट जाना या टूट जाना, ठीक है। और डिस्क का मतलब होता है कि एक डिस्क टाइप का अरेंजमेंट या कोई डिवाइस, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो। तो रप्चर डिस्क एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सरफेस कंडेंसर में लगा होता है, और जब कभी भी इस कंडेंसर का प्रेशर जो होता है वो एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो ये फट जाता है। और जैसे ये फट जाता है तो हमारे सर्फेस कंडेंसर में जो भी प्रेशराइज हुआ है वहाँ से वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है और कंडेंसर जो है वो सेफ हो जाता है, और वहाँ पे कोई भारी एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है, ठीक है। तो वो जो डिवाइस है और जो अरेंजमेंट है उसे को ही हम लोग रप्चर डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि डिफिनेशन से ही समझ में हम लोग आया कि ये जो रप्चर डिस्क है वो क्या करता है, एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करता है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कैसे इंक्रीज करता है उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में समझा था कि ये जो हमारा एक तरह का सरफेस कंडेंसर है, और सरफेस कंडेंसर में होता क्या है, हमारे ट्यूब में क्या है कि जो ये मल्टीपल ट्यूब लगे हैं उसमें कूलिंग वाटर फ्लो करता है, और यहाँ से हमारा टर्बाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कंटिन्यू आता है। तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंडेंसर होता है वो कंटिन्यू लाइन में होता है, यानी कि कंटिन्यू हमारा स्टीम जो है वो टर्बाइन से आता है और कंडेंसेट तैयार होता है, यानी कि जो वाटर तैयार होता है वो इस हॉट ऑयल में कलेक्ट होते जाता है। और अगर यहाँ पर प्रेशर का बात करें तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है, ओके, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम रहता है, बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रहता है, ओके। तो इस नेगेटिव प्रेशर का मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी इमरजेंसी आ सकते हैं कि हमारा जो कंडेंसर का जो ये नेगेटिव प्रेशर है वो पॉजिटिव हो जाए, ओके, यानी कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो एक्सेसिव हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि ये रप्चर पे एक डिजाइन प्रेशर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग 1.5 kg से लेकर 2 kg के आसपास प्रेशर अगर आ जाता है हमारा कंडेंसर का, तो ये क्या होता है, रप्चर डिस्क जो होते हैं उसमें कुछ ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा होता है कि ये फट जाता है, और जैसे ये फट जाता है तो यहाँ से जो भी एक्सेसिव प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, जिससे हमारा कंडेंसर जो है वो सेफ होता है और एक भारी एक्सीडेंट होने से बच जाता है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर होता है कि ये जो रप्चर डिस्क है ये कंडेंसर के एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करता है, ओके, यानी कि एक्सेसिव प्रेशर बोले तो ये जो नेगेटिव प्रेशर है जब ये पॉजिटिव हो जाए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ओके। तो ये कैसे ज़्यादा हो सकता है, हम लोग उसको भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा कंडेंसर का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर सकता है, किन किन कारणों से इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज होना या वैक्यूम ड्रॉप होना दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इजीली समझने के लिए हम लोग जो यहां पर बात करेंगे वो कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज का बात करेंगे, ठीक है, कि किन किन कारणों से प्रेशर यहां पर इंक्रीज होता है जिससे हमारा रप्चर डिस्क फटने का चांसेस रहता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर रीजन का बात करें कि कैसे हमारा किन किन कारणों से वैक्यूम ड्रॉप होता है, इसके कई सारे रीजन हैं। चूँकि टॉपिक को हम लोग को समझना है तो यहाँ पर कुछ हम लोग को इम्पॉर्टेंट जो रीजन है उसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। बाकी एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे जिसपे हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में कि कंडेंसर का वैक्यूम जो होता है वो किन किन कारणों से ड्रॉप होता है, ठीक है, पूरा डिटेल में वहाँ पर समझेंगे। देखिए, तो पहला जो रीजन है कि हॉट वेल लेवल हाई, ओके, हॉट वेल लेवल अगर हाई होता है, हॉट वेल लेवल हाई,
ओके तो हॉट वेल लेवल हाई होता है तो इस कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। कैसे? तो देखिए हॉट वेल को हम लोग जानते हैं कि एक सर्टेन लिमिट जो है वो मेंटेन किया जाता है, लगभग 50% मेंटेन किया जाता है। तो मान लीजिए किसी कारण से ये जो लेवल है वो ऊपर चला जाए, ठीक है, हाई हो जाए और हाई होकर यहाँ तक आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा स्टीम जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा, और जैसे ही हॉट वेल लेवल अगर मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है तो क्या होगा कि स्टीम को स्पेस नहीं होगा, नहीं मिलेगा उसे कंडेंसेट होने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो स्टीम हमारा कंटिन्यू आ रहा उस वो इस सिस्टम को प्रेशराइज करेगा, जिससे प्रेशर जो होगा वो इस लिमिट को पार कर जाएगा और हमारा रप्चर डिस्क जो होगा वो फट सकता है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा जो है कि क्या रीजन हो सकता है कि ये हमारा जो सिस्टम है अगर ये कहीं से भी अगर लीकेज होता है तो बाहर में हमारा जो प्रेशर है वो हाई है, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर में नेगेटिव प्रेशर है। तो बाहर में हाई प्रेशर, अंदर में लो प्रेशर, तो जो एयर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है। तो ये चांसेस होगा कि इन केस अगर कहीं पे लीकेज हो तो बाहर का जो एयर है वो अंदर इंग्रेस हो सकता है, यानी कि अंदर आ सकता है, और जैसे ही अगर वो एयर अगर अंदर आएगा तो ये सिस्टम को प्रेशराइज करेगा, जो कि एक कारण बन सकता है कि जिससे हमारा रप्चर डिस्क जो है वो बर्स्ट कर जाए। ओके, तो सेकेंड जो रीजन हो गया वो हो गया एयर इंग्रेस। ओके, तीसरा रीजन है कि अगर कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है अगर वो इंक्रीज कर जाए, ओके, तो उस केस में भी हमारा वैक्यूम जो है वो ड्रॉप करेगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर में जो ये मल्टीपल ट्यूब्स लगे होते हैं उसमें कूलिंग वाटर फ्लो करता है, जो कि कूलिंग वाटर से कूल होके आता है, ओके, और उसी के कारण हमारा जो ये स्टीम यहाँ पर आता है एग्जॉस्ट स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट करवाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग कूलिंग वाटर यूज करते हैं तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो क्या करेगा, वो इसको कंडेंसेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा स्टीम को, और वो कन्वर्ट जब नहीं कर पाएगा तो वही स्टीम क्या होगा जो बच जाएंगे वो इस सिस्टम को प्रेशराइज करेगा, जो कि एक कारण बन सकता है इस रप्चर डिस्क के बस्ट होने का। ओके, नेक्स्ट रीजन मान लीजिए कि यह जो हमारा कूलिंग वाटर इसमें जो फ्लो होता है तो इसका फ्लो जो होता है वो सफिशियंट होना चाहिए, अगर इनसफिशियंट फ्लो होगा तो ये अच्छे से हमारा स्टीम को कूल नहीं कर पाएगा, यानी कि कंडेंसेट नहीं बन पाएगा, और वही स्टीम जो होता है वो इस सिस्टम को प्रेशराइज कर सकता है। ओके, तो ये भी एक रीजन होता है जिसके कारण से हमारा जो ये रप्चर डिस्क है वो बस्ट कर जाए। ओके, तो इनसफिशियंट कूलिंग वाटर फ्लो ये भी एक रीजन होगा। ओके, इनसफिशियंट कूलिंग वाटर फ्लो। ओके, नेक्स्ट रीजन एक लास्ट हम लोग और देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमको वैक्यूम बनाना होता है, यानी कि हम यहाँ पर जो हमको प्रेशर जो नेगेटिव मेंटेन करना है, तो इसको मेंटेन करने के लिए या इसको बनाने के लिए यहाँ पर एयर पंप इजेक्टर या वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है। ओके, इसका काम क्या है, तो यहाँ पर जो भी हमारे एयर मौजूद है इस कंडेंसर में या जो स्टीम यहाँ पर आता है, तो उस कुछ स्टीम ऐसे होते हैं जो कंडेंस नहीं हो पाते हैं, वो गैसियस फॉर्म में ही रह जाते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ से निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो एक्युमुलेट होते जाएंगे तो वो इस सिस्टम को प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू एयर पंप के द्वारा, इजेक्टर के द्वारा या वैक्यूम पंप के द्वारा निकाला जाता है। तो इन केस किसी भी कारण से अगर इसमें फेलियर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उस वैक्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये सिस्टम जो है वो प्रेशराइज होगा, जो कि एक कारण बन सकता है रप्चर डिस्क फेलियर होने का, ठीक है, तो ये भी एक कारण है, यानी कि फेलियर ऑफ इजेक्टर, ठीक है, इजेक्टर और वैक्यूम पंप या एयर पंप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए, इसके अलावा भी कई सारे रीजन है जिससे हमारा वैक्यूम जो है वो ड्रॉप करता है, तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट देख लेंगे, जिसमें कई सारे रीजन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हमारा मेन जो मोटिव था कि रप्चर डिस्क जो फट जाता है, ठीक है, जो बर्स्ट कर जाता है, वो कंडेंसर के हाई प्रेशर के कारण ही फटता है, जब हमारा प्रेशर जो है वो एक्सेसिव हो जाता है, और वो एक्सेसिव प्रेशर जो होता है वो इन कारणों से हो सकता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग जाने कि रप्चर डिस्क जो होता है वो क्या होता है, क्यों ये फट जाता है, और इससे हमारा क्या फायदा है। ओके, आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।